हे हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता शुक्ला एंड यू आर वाचिंग मी ऑन द चैनल ऑल्टर योर सेल्फ। स्वागत है आप सभी का वोकैबुलरी शो में। सॉरी, सुबह कुछ शायद कोई मॉर्निंग में इश्यू हो गया था, वॉइस नहीं आ रही थी शायद, तो इसीलिए ये दोबारा से अपलोड की जा रही है। आई होप इसमें कोई दिक्कत ना आए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो रहेगा वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पे रहेगा, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जो होते हैं वो उनके अंदर काफ़ी सब टॉपिक्स होते हैं। जैसे एक फोबिया था वो हमने कवर कर लिया, आज हम क्या करेंगे, आज हम पर्सनालिटी कवर करेंगे, ठीक है। जो पर्सनालिटी बेस्ड आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वो आज हम कवर करेंगे यहाँ पर। चलिए देखते हैं आगे क्या है ये। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, ऐसा जिसको सही नहीं किया जा सकता, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं इनकॉरेजिबल। क्या बोलते हैं? इनकॉरेजिबल बोलते हैं। सो वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, क्या बोलते हैं उन लोगों को जो किसी करेक्ट नहीं कर सकते, उन्हें बोलते हैं इनकॉरेजिबल बोलते हैं। अब सवाल ये आता है, आप इसको याद कैसे करोगे, इनकॉरेजिबल को याद कैसे करेंगे? अच्छा, ये तो ये जो इन है इसका मतलब पता क्या होता है, ये एक आपका जो रूट वर्ड है इन, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नॉट। इनका मतलब क्या हो गया? नॉट हो गया। बाकी ये जो देख रहे हैं कॉरेजिबल, ये किससे आया है? ये ग्रीक वर्ड कॉरेजियर से आया है, CORRIGERE। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू करेक्ट। इनका मतलब हो गया नॉट, कॉरेजियर का मतलब हो गया टू करेक्ट, तो क्या बना? द वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, ठीक है, जिसे हम करेक्ट नहीं कर सकते उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे इनकॉरेजिबल। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? आगे आते हैं, वन हु हैज़ मिक्स फीलिंग्स, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं जिसके वो मिक्सड फीलिंग्स होती हैं, एम्बिवेलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्बिवेलेंट बोलते हैं। कैसे याद रखेंगे? ये जो एम्बी है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बोथ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बोथ। और ये जो वैलेंट है ये भी एक ग्रीक वर्ड से आया है, वैलियर, VALERE, वैलियर से आया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू बी स्ट्रांग। तो वो क्या बन गया? दो स्ट्रांग फीलिंग्स हैं, यानी कि जो मिक्स्ड फीलिंग्स हैं उनको हम बोलते हैं एम्बिवेलेंट बोलते हैं, ठीक है। तो वो वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, इनकॉरेजिबल, वन हु हैज मिक्स्ड फीलिंग्स, एम्बिवेलेंट, ठीक है। एम्बिवेलेंट किसको बोलते हैं? वन हु हैज मिक्स्ड फीलिंग्स, ठीक है, याद रहेगा। आगे आते हैं, वन हु हैज टू और मोर स्किल, ऐसा जिसके पास दो या दो से ज़्यादा स्किल हो, क्या बोलेंगे ऐसे को? ऐसे को बोलते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्बिडेक्स्ट्रस बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर भी ये एम्बी आ गया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी होता है बोथ, ठीक है। फिर क्या देख रहे हो आप लोग, ये डेक्स्ट्रस आया है यहाँ पर। अच्छा, इससे देखो ये एक्स्ट्रा का सेंस आ रहा है, एक्स्ट्रा का सेंस आ रहा है, एक्स्ट्रस से एक्स्ट्रा का सेंस आ रहा है। एम्बी का मतलब ही बोथ होता है, यानी कि दो और दो से ज़्यादा, यानी कि एक्स्ट्रा यानी कि दो से ज़्यादा, ठीक है। तो किसी के अंदर दो या दो से ज़्यादा स्किल होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस, ठीक है। वन हु हैज टू और मोर स्किल, क्या बोलेंगे उन्हें? एम्बिडेक्स्ट्रस बोलेंगे। वन हु हैज मिक्स्ड फीलिंग, क्या बोलेंगे उसे? एम्बिवेलेंट बोलेंगे। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, क्या बोलेंगे? इनकॉरेजिबल बोलेंगे, ठीक है। अब वन हु इज़ आउट स्पोकन, यानी कि जो सोशल पीपल नहीं होते हैं, जिन्हें पता होता है कैसे क्या बोलना है, ठीक है, तो ऐसे लोग क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रोवर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे लोगों को? एक्स्ट्रोवर्ट बोलते हैं, जिन्हें हर तरीके के लोगों से बात करना आता होता है, ठीक है। ऐसे लोग क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों को एक्स्ट्रोवर्ट बोलते हैं। और जो रिजर्व रहते हैं, यानी कि जो अपने में रहते हैं, जिन्हें ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं इंट्रोवर्ट। सो वन हु इज़ रिजर्व, क्या बोलते हैं उन्हें? उन्हें इंट्रोवर्ट बोलते हैं। वन हु इज़ आउट स्पोकन, क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रोवर्ट बोलेंगे। वन हु हेट्स मैनकाइंड, जिसे मैनकाइंड से ही नफरत होती है, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें मिसैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिसैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। इसे याद कैसे करेंगे आप लोग? मिसन है ये, जो ये मिसो से आया है। मिसो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही होता है हेट्रेड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही होता है हेट्रेड। और ये जो एंथ्रोपोज है, ये एंथ्रोपोज, इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है ये ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है ह्यूमन बींग्स कह लो, या फिर
मैन भी कह सकते हैं, मतलब मैन का यहाँ पर सब मैन में सब लोग कंसीडर करे जाते हैं, ठीक है। तो वन हु हेट्स मैनकाइंड मिसैंथ्रोपिस्ट, मिसन किससे जो ये वर्ड है किससे आया है, मिस में यहाँ पे मैसो से आया है, जिसको क्या बोलेंगे, जिसका मतलब ये हेट्रेड होता है, जो मैनकाइंड को हेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको मिसैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, ठीक है। आते हैं आगे, मिसो गेनिस्ट किसे बोलते हैं, गेनिस्ट तो वन हू एट फीमेल्स क्या बोलेंगे, मिसोजेनिस्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मिसोजेनिस्ट, ठीक है। ये भी किससे आया है, ये भी उसी से आया है, ठीक है। तो किसे बोलते हैं मिसोजेनिस्ट, वन हू हेट्स फीमेल्स बोलते हैं। और ये जो मिसोजेनिस्ट है, इसका रूट वर्ड की बात करें तो ये मिसोस से आया है, मिसोस का मतलब ही हेट्रेड होता है, ठीक है। और जो यहाँ पर आप ये जेनिस्ट देख रहे हो, इसका पता, इसका ग्रीक वर्ड है GYNE, ठीक है, उसका मतलब होता है वुमेन, ठीक है। तो वन हू हेट्स फीमेल्स यानी कि मिसोजेनिस्ट हो जाएगा, ठीक है। और वन हू हेट्स मेल्स यानी कि मिसएंड्रिस्ट हो जाएगा, मिस है किससे आया है, ये मेसोस से आया है या फिर मिसेन से आया है, इसका मतलब ही हेट्रेड होता है। और एंड्रिस्ट जो है ये ANDR, इसका मतलब होता है, ये इसका ग्रीक वर्ड है ANDR, ठीक है, एंड्र कह देंगे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मैन, ठीक है। तो जो मैन से मतलब इनको जो हेट करता है उनको क्या बोलते हैं, उनको मिसएंड्रिस्ट बोलते हैं, ठीक है। फीमेल्स वाला क्या होता है, मिसोजेनिस्ट होता है, और मेल्स वाला क्या होता है, मिसएंड्रिस्ट होता है, ठीक है, याद रहेगा। ये ANDR इसका रूट वर्ड याद रखना, कि ANDR मतलब ही क्या होता है, उसका मतलब ही मेल्स होता है। और इसमें क्या रखना है, GYNE, इसका मतलब ही क्या होता है, वूमेन से रिलेटेड होता है, ठीक है, इसका मतलब वूमेन होता है, ठीक है। कहाँ होता है, ग्रीक में होता है, ग्रीक वर्ड में। चलो आते हैं आगे, यहाँ तक की कहानी याद हो गई होगी जहाँ तक लग रहा है मुझे। वन हु इज शोई, जो भाई थोड़ा शोई लोग नहीं होते, शो ऑफ टाइप होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं फ्लैम्बोयंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लैम्बोयंट बोलते हैं, ठीक है। देखो यार, इसको ऐसे याद रख लो, ये बॉयंट आ रहा है, बाय से याद रख लो, ठीक है। बाय का सेंस आ रहा है, जब भी कोई चीज़ खरीद के लेकर आता है तो क्या करता है, उसका शो ऑफ करता है, ठीक है, सबको दिखाता है कि भाई मैं ये लेकर के आया, तो उससे याद रख लो फ्लैम्बोयंट, यानी कि वन हु इज शोई, ठीक है। वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसको भाई जो आसानी से नहीं प्लीज होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फैस्टिड्यूअस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैस्टिड्यूअस बोलते हैं। वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, फैस्टिड्यूअस बोलते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, वन हु इज प्रोन टू हर्ट, यानी कि चोट चपाट जिसके लगती रहती है, वल्नरेबल बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, वल्नरेबल बोलते हैं। अब वन हु इज फुल ऑफ लाइफ क्या बोलेंगे, कॉन्विवियल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉन्विवियल बोलेंगे, ठीक है। वन हु इज फुल ऑफ लाइफ, कॉन्विवियल, अच्छा ये कैसे याद रखोगे कॉन्विवियल, बाकी के तो ऊपर के वर्ड्स कोई दिक्कत नहीं है ना याद करने में, शोई का तो आपने बाय से याद कर लोगे, कि बाय जब कोई चीज़ खरीदता है तो उसका शो ऑफ करता ही रहता है। वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, फैस्टिड्यूअस, ये तो सबको पता ही होगा, ठीक है। वन हु इज प्रोन टू हर्ट, वल्नरेबल, ये तो ईजी है, याद रहेगा। आगे आते हैं, वन हु इज फुल ऑफ लाइफ, कॉन्विवियल, कैसे याद रखेंगे इसको, देखो यार, कौन जो है इसका CON, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ही विद होता है, ठीक है। और ये जो विवियल वर्ड है, ये आया है विवियर से, VIVERE, इसका मतलब होता है लिव, ठीक है, ठीक है। तो जो लोग अच्छे से जीते हैं, यानी कि मतलब द वन हु इज फुल ऑफ लाइफ, ठीक है, कॉन्विवियल बोलेंगे उन्हें। वन हु इज नॉट एडिक्टेड, जो एडिक्टेड नहीं है किसी भी चीज़ से, तो वन हु इज़ नॉट एडिक्टेड टू एनीथिंग क्या बोलेंगे, टिटॉटलर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टिटॉटलर बोलेंगे। भाई ये स्पेलिंग गलत है, टिटॉटलर बोलेंगे इसे, ये LER होगा, ठीक है, टिटॉटलर, क्या बोलेंगे, टिटॉटलर बोलेंगे, ठीक है। वन हु इज़ मेंटली अनसाउंड, क्या बोलेंगे ऐसे लोगों को जो मेंटली अनसाउंड से होते हैं, साइकॉटिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइकॉटिक बोलते हैं, ठीक है। साइक का मतलब, अच्छा किसी को पता क्या होता है, साइक का मतलब ही सोल माइंड वगैरह से होता है, ठीक है। तो वन हु इज़ मेंटली अनसाउंड, साइकॉटिक, याद रहेगा। आते हैं आगे, तो ये सारे वर्ड्स चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो क्या था, ऐसे ही देखो, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, क्या था, जिसको करेक्ट नहीं करा जा सकता, इनकॉरेजिबल था, क्या था, इनकॉरेजिबल, जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते, इनकॉरेजिबल। वन हु हैज़ मिक्स्ड फीलिंग्स, क्या था, एम्बिवेलेंट था। वन हु हैज़ मिक्स्ड फीलिंग्स, एम्बिवेलेंट, कैसे याद कराता है, एम्बी का मतलब क्या होता है, एम्बी का मतलब बोथ होता है,
और वो एम्बीवेलेंट था, विवियर से आया था, विवियर का मतलब वैल्यूअर से आया था, वैल्यूअर का मतलब क्या होता है, स्ट्रांग होता है, यानी कि दो स्ट्रांग भावनाएं किसी के अंदर है, ठीक है, क्या बोलते हैं वो ना, एम्बीवेलेंट बोलते हैं। फिर क्या था, वन हु हैज टू और मोर स्किल्ड, यानी कि किसी के पास एक, चलो अच्छा दिखाई देता है, किसी के पास एक से ज़्यादा स्किल होने क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एम्बीडेक्स्ट्रस बोलेंगे। अरे कहाँ गया, ये रहा, वन हु इज़ आउटस्पोकन एक्स्ट्रोवर्ट, ठीक है, वन हु इज़ रिजर्व्ड क्या बोलेंगे, इंट्रोवर्ट बोलेंगे, वन हु हेट्स मैनकाइंड मिसैंथ्रोपिस्ट, कैसे बताया था, मिसोस से आप रखोगे उसको, कि उसका मतलब क्या होता है, हेट्रेड से होता है, एंथ्रोपोस का मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है मैनकाइंड या फिर ह्यूमन बींग, मैन कुछ भी ले लो, ठीक है। वन हु हेट्स मी हेट्स फीमेल क्या बोलेंगे, मिसोजेनिस्ट बोलेंगे, वन हु हेट्स मेल मिसैंड्रिस्ट बोलेंगे, ठीक है। आते हैं आगे, वन हु इज शोई फ्लैम्बोयंट बोलेंगे, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज फैस्टिड्यूअस बोलेंगे, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज फैस्टिड्यूअस बोलेंगे, वन हु इज प्रोन टू हर्ट, वन हु इज प्रोन टू हर्ट क्या बोलेंगे, वल्नरेबल बोलेंगे, ठीक है। वन हु इज फुल ऑफ लाइफ क्या बोलेंगे, कन्विवियल बोलेंगे, ठीक है। वन हु इज नॉट एडिक्टेड टिटॉटलर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टिटॉटलर, ठीक है। वन हु इज मेंटली अनसाउंड क्या बोलेंगे, साइकोटिक बोलेंगे। याद नहीं चीज़ें ये याद करनी पड़ेगी। आते हैं आगे रिवीजन पे, जो कि हमेशा होता ही होता है, जो भी हमने पुराना पढ़ा होता है उसका हम क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को बताना है इसका क्या रहेगा मीनिंग, ठीक है। पहला वर्ड है प्रेडिकमेंट, क्या होता है प्रेडिकमेंट, प्रेडिकमेंट क्या होता है, देखो ये प्रेडिक्ट से आया है, प्रेडिकमेंट प्रेडिक्ट से आया है, मैंने क्या बताया था इसका निमोनिक, ये बताया था कि क्या होता था, किंग ने किसी प्रीस्ट को क्या करा, किंग ने किसी प्रीस्ट को प्रेडिक्शन के लिए बुलाया। अब जो प्रीस्ट था वो केस में आ गया, वो डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गया, क्योंकि अगर उसने सच बता दिया तो भी वो दिक्कत में पड़ जाएगा, और झूठ बोला तो उसका उसके नियम के वो होगा ना, नियम के अगेंस्ट होगी सारी चीज़ें। तो प्रेडिक्शन ऐसे, ये प्रेडिकमेंट ऐसे याद रखना, प्रेडिक्ट से याद रखना है, कैसे याद रखना है, किंग ने किसी प्रीस्ट को प्रेडिक्शन के लिए बोला और वो एक प्रेडिकमेंट स्टेट में पहुंच गया, ठीक है, एक डिफिकल्ट सिचुएशन में पहुंच गया, ठीक है। अबाउंडिंग का क्या बताया था, अबाउंडिंग का क्या बताया था, बाउंड से बताया था, एकता में शक्ति वाला एग्जांपल दिया था मैंने, कि बहुत समृद्ध लोग हैं, ठीक है। कैटाक्लस में क्या बताया था, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब प्रॉस्पर होता है, याद रखना भाई, प्रॉस्पर होता है, ठीक है। चलो इरेज कर दे, लिख ही नहीं पा रहा, क्या होता है, प्रॉस्पर होता है। अबाउंडिंग का मतलब क्या होता है, प्रॉस्पर होता है, ठीक है, प्रॉस्पैरिटी से रिलेटेड होता है। कैटाक्लस्म मतलब क्या होता है, क्या बताया था, कैटाक्लस्म, कैट आज से बताया था, और अगर वो आ गई तो आप किस में चले जाओगे, आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन में चले जाओगे, यानी कि कैटाक्लिज्म स्टेट में, ठीक है। तो ये बताया था कि नहीं बताया था, एफ्लुएंस बताया था, क्या होता है इसका मतलब, एफ्लुएंस का मतलब क्या होता है, एफ्लुएंस का मतलब भी होता है समृद्ध से रिलेटेड होता है, ठीक है, यानी कि लग्जरियंट है वो, यानी कि ऑप्यूलेंस, यानी कि थ्राइविंग, ये सारे क्या हैं, इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो ये आपको भी याद रखना है, आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। पिटफुल का मतलब क्या बताया था, पिट से बताया था, पिट का क्या मतलब था, गड्ढा होता है, गड्ढे में कोई गिर जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाता है, बताया था कि नहीं बताया था। फ्लाइट का क्या बताया था, आजकल 24 घंटे लाइट आ रही है, अगर एक घंटा भी लाइट चल जाए तो क्या होगा, आपको कष्ट होगा, आप डिफिकल्ट सिचुएशन में चले जाओगे, ठीक है। तो प्लाइट बताया था कि नहीं बताया था। अच्छा अब देखो, ये हटा दो, ये देखो प्रेडिकमेंट हो गया, फिर कैटाक्लिज्म, फिर पिटीफुल, प्लाइट, ये चारों वर्ड क्या थे, ये चारों वर्ड डिफिकल्ट सिचुएशन के थे। अबाउंडिंग, एफ्लुएंस किसके वर्ड थे, ये थे जहाँ पर सब लोग समृद्ध हैं, फले फूले हुए हैं, ठीक है, ये उनके वर्ड्स थे, ठीक है। आते हैं आगे, ये देखो ये वर्ड जो है ये मैं पहले करा चुकी हूँ, आपको करना क्या है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, सबको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। इससे ये होगा, इससे आपका एक तो आप इसका आंसर करोगे तो आपके माइंड पर थोड़ा जोर पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो क्या करोगे, तो अपने नोट्स में जाएंगे आप और वहाँ से आंसर सर्च करेंगे वहाँ पर, और फिर आप आंसर करोगे, ठीक है।
अगर नोट्स नहीं बनाया तो बहुत अच्छी बात है, गूगल है ही, गूगल पर जाइए, गूगल पर सर्च करिए, और गूगल से क्या करेंगे फिर, सर्च करने के बाद कमेंट करेंगे, ठीक है। कमेंट करने से क्या होगा, ये होगा कि आप जब देखो उस चीज़ को पढ़ोगे फिर उस चीज़ को लिखोगे तो वो चीज़ें आपको याद रहेंगी, और ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है, ये याद होने चाहिए आपको। चलिए ठीक है, अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।